न्यू स्नाइपर का वक्त आ चुका है। हेडशॉट। दिस इज जीनियस। गेम ओवर। वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग खेलने वाले हैं फ्री फायर और गेम के अंदर एक नई बंदूक आ रही है स्नाइपर, जिसका नाम आई थिंक VSS से रिलेटेड है। VSK-94 उसका नाम है। तो आज मैं पहली बार उसको आप लोगों के सामने यूज़ करने वाला हूँ। तो गेट रेडी गाइस, आज की वीडियो में बहुत ही धमाका होगा। वैसे जो VSS है ना, बहुत ही कमज़ोर बंदूक है, लोग यूज़ ही नहीं करते उसको, जो पुरानी वाली थी। आप देखने वाली बात है कि ये VSK-4 कौन सी बंदूक है यार। सोचो करके AWM से भी ताकतवर हो तो पूरा गेम ही बदल जाएगा। सो लेट्स गो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का गेम प्ले। काला चश्मा भी दोस्तों नीचे उतर चुका है और हाथ में लग चुकी है G36। सामने मेरा बंदा है और सबको वो मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि और के पास बंदूक है नहीं और इसको लगता है कि ये सारे किल चोरी करेगा। हमारा किल चोरी कोई नहीं करेगा आज, तो भैया हम ही ले जाएंगे। देखो वो बंदा भी चले गया, झाड़ी बन के ज़्यादा शाणा बनना था, चालाकी कर रहा था वो, तो खत्म है गाइस। देखो ये अंदर भाग गया था कद्दू वाला बंदा, इसका कद्दू इसकी जेब में फिट करता है। देखो धीमे धीरे चला दी इसने। क्या शाणा बनेगा यार तू, क्या शाणा बनेगा तू, कद्दू कटेगा सब पड़ेगा ब्रो। गाइस अभी हमारे यहाँ पे दो किल्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हमारे पास ओके एक स्कार तो मिल गई है, थोड़ी चिंता का विषय हो गया था। और ये रही हमारे पीछे VSK-4, इसको एक काम करता हूँ फटाफट से जाके पिक कर लेता हूँ। बट एक मिनट, मेरे पिक करने से पहले वहाँ पे बहुत सारे किल्स चोरी हो जाएंगे, इसलिए पहले मैं एक बंदे को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये रहा 4 किल्स गाइस, हमारे एक ही घर के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जाकर हम लोग आराम से अपनी VSK-4 को उठा के उसके साथ गेम प्ले करेंगे। अपना मिशन रहेगा आज, आज तो लगता है कि हम लोग भैया कर ही लेंगे। और इसी बात से मुझे याद आया गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पर आप अपना सिर्फ ओपिनियन देकर पैसे अर्न कर सकते हैं, एंड दैट इज प्रोबो। ये इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है और सबसे ईजी, जहाँ पर सिर्फ यस और नो में जवाब देना है। इसमें इंटरेस्ट और नॉलेज के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके अपने ओपिनियन दे सकते हो, लाइक क्रिकेट, क्रिप्टो, यूट्यूब। और सबसे बड़ी बात, ये इतना ट्रस्टेड ऐप है कि इसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। एक सीक्रेट बताता हूँ, लास्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच में मैंने अपना ओपिनियन देके लाखों रुपए जीते। एग्जांपल, जैसे अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है क्या इंडिया 5th टेस्ट मैच जीतेगी। यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो अगर आप श्योर हो तो, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और कमाल की बात तो ये है कि इसमें आप अनलिमिटेड विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हो, वो भी बहुत ही इजी, UPI, पेटीएम, जिससे आप चाहो। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जाओ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करने पर आपको 25 रुपीज तक का बोनस भी मिलेगा। वेल फिलहाल तो गाइज मैं यहाँ पे ड्रॉप लूटने के लिए आ चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आसपास कोई तो चोरी चुपके मेरे ऊपर नजर रहा है। और ये देखो क्या अभिषेक यार, क्या तू शाणा बनेगा, चुपचाप पीछे से आने की कोशिश करा लेकिन छिप भी नहीं पाया। इससे अच्छा तो सीधे ओपन रेस कर लेता, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, हमको मानना इतना आसान नहीं है, उसकी भी गलती नहीं है देखा जाए तो। धीरे धीरे सीख जाएगा अभिषेक भी। फिलहाल तो मैं इसको वापस भेज देता हूँ PD बना के, इसका दोस्त लोग उसको दोबारा से रिवाइव कर देंगे। और हमारे अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 5 किल्स, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास VSK-494 बंदूक आ गई। इसका नाम इतना लंबा क्यों है यार, कोई शाइट उसका शॉर्ट नेम ढूंढना पड़ेगा गाइज हम लोगों को। चलो आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट करना कि इसका हम शॉर्ट नेम क्या रखें। फिलहाल तो गाइज पीक मुझे लगता नहीं कि कोई भी आसपास मुझे मिलने वाला है, इसे जल्दी से मैं जाता हूँ शॉप के वहाँ पर, और वहाँ पर जाके आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, हेडलेस खरीदेंगे ना, ताकि ज़्यादा हमको मशक्कत नहीं करना पड़े। Level 3 की मेरे पास MP5 भी आ गई अब, तो इससे शॉर्ट रेंज में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर मैं ज़्यादा हूँ और एक हिटलेस यहाँ से मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि कॉइन्स तो अपने पास बहुत सारे हैं। लेट्स गो। ओ अपने बगल में ही है यार ये बंदा तो, ये देखो, लेकिन शायद अब ये दूर भागने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक उसने मिल वाली जिप लाइन पकड़ ली है, और मैं पैदल तो उसको नहीं पकड़ सकता यार, मुझे गाड़ी चाहिए रहेगी। और अपने सामने एक मैप में दिखा तो रहा गाड़ी का मार्क, कहाँ Lamborghini टाइप की गाड़ी हो, लेकिन नहीं यार ये तो जिप्सी है, जिप्सी का क्या करूँगा मैं, इतनी खतरनाक है ना गाइस, जिसको गेम खेलना नहीं भी आता ना वो लोग भी, अगर हम इस जीप में बैठे हैं और सामने वाला एकदम नूब प्लेयर Level 1 का Level 5 का आराम से हमको मार देगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा हिट लिस्ट ज़्यादा दूर भाग के मज़े में आ जाए। कुछ बहुत ही मेरे ख्याल से 1.20 सेकेंड्स होता है हमारे पास मारने के लिए, वरना ये हिट लिस्ट वाले पैसे भी हमारे वेस्ट हो जाएंगे। तो फुल स्पीड में गाइस मैं चलता हूँ, और ये देखो ये पूरी स्पीड अप करने की कोशिश कर रहा है,
क्या रे चिरकट, क्या ही कर पाएगा तू यार, कह रहा हुआ गेम वालों को पे यार क्या घटिया अपडेट दे दिया, बार बार मेरे ऊपर ही हिट्स आ जाता है और देखो सामने से उसने भी शायद माउस और ट्रक उठा लिया है, लेकिन अब दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि हमारे को सुपर फास्ट कार मिल गया और सेफ भी। क्या भैया कितनी दूर भागोगे हमसे, पीछा तो हम तुम्हारा करके ही रहेंगे गाइस, इसको ना उतार के हेडशॉट मारेंगे। अरे वाह ये तो खुद ही उतर गया, एक गोली मारने की देरी है इसको, खत्म। अभिनव का भी गाइस खेल खत्म कर दिया हमने, हाथ में बेचारे की ग्लू वॉल ही थी, ग्लू वॉल उसको पटकने तक हमने उसको गेम ही खत्म कर दिया। आखिरी बंदा था शायद अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए जा रहा था। चलो कोई बात नहीं, अभी गाइस हम लोग दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और सामने मुझे एक और बंदा दिख गया है जो कि इसके अंदर घुस चुका है स्नेक के। अभी बताता हूँ इसको मैं। क्या भैया क्या मजे में लूट कर रहे हो, बैग खोल गया सामने तुम्हारे बंदा आ गया गाड़ी लेके, उनको पता ही नहीं है मजे से लूट करे जा रहा है। फिलहाल आज तो गाइज मेरे को ना स्नाइपर की गोलियों की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली, देख के तो ऐसे ही लगता है। देखो VSK4 में 64 गोलियां हुई हैं और शायद कोई और भी यहाँ पे प्लेयर्स आ चुके हैं इसके टीम में बचाने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। तो वक्त आ चुका है इन लोगों को भी हेडशॉट बजाने का। ये देखो हल्का सा हेड मुझे दिखा पेड़ के पीछे, लेकिन एक मिनट शायद उसका एक और टीममेट है वहाँ पर, वो तो मुझे दिखाई नहीं, मुझे लग रहा था कि एक ही बंदा है बट यहाँ पर किसी ने ग्लू वॉल लगाई, इसका मतलब यहाँ पर दो दो प्लेयर्स है गाइस। क्या मेरे पास ग्रेनेड है, अगर ग्रेनेड होता ना तो मज़ा आ जाता। नहीं यार ग्रेनेड तो नहीं है अपने पास, ग्लू वॉल और MP5 ये इसी से काम चलाना पड़ेगा। भाई साहब अगर ये मेरे ऊपर गिर जाता स्पेयर ड्रॉप तो यहीं पे गेम खत्म हो जाता हमारा। आलोक के स्किल है गाइस, इसको भी काम करता हूँ मैं ले ही लेता हूँ और अब करेंगे इनके ऊपर रश, क्योंकि ये लोग बेचारे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। देखो दोनों एक साथ हैं लेकिन फिर भी मेरे पर रश नहीं कर रहे हैं, ग्लू वॉल के पीछे छिपे हुए हैं। अच्छा हमारे ऊपर ग्रेनेड करेगा, एक डाउन हो चुका दोस्तों और दूसरा बंदा जिसको हमने हेडशॉट मारा था स्नाइपर से वो दोबारा से जिंदा हो गया, तो इसको भी दोबारा से हेडशॉट ही मारना पड़ेगा। चेयरपर्स शॉटगन लेके आया हुआ है, अरे यार मेरे को लगा गाइस ये लोग अपनी पूरी टीम लेके आएंगे बट उनका दोबारा से एक बंदा कहीं और पे है मैप पर, उनको रिवाइव कर देगा। कोई बात नहीं हम भी किसी को कम नहीं गाइस, दोबारा से मारेंगे इनको। फिलहाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 9 किल्स, धरती हिला दिए कहड़ हा दिया भाई साहब, इसी बात में एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर मैंने सप्लाई क्रेट गलती से मंगा दी थी लेकिन इसमें कुछ काम का निकला नहीं, वे काम करते हैं दोबारा से इस जिप्सी में बैठ जाता हूँ और निकलते हैं जोन के अंदर, क्योंकि हमारा आज टारगेट रहेगा सबसे मेन तो भुया करने का, क्योंकि मैंने पहली बार ये नई स्नाइपर का मिशन लिया है और अगर हम भुया ना करें तो क्या मजा है फिर। ये देखो सामने एक और बंदा यहाँ पे आ चुका है, इसने शायद मेरे को देख लिया है, कोई बात नहीं। ये देखो ये आया हिम्मत करके और एक शॉट तो पड़ा शायद और ये हो चुका है डाउन। आई थिंक गाइस ये जो VSS है ना इसमें स्नाइपर ऑलरेडी नहीं लगी रहती है। ये देखो सामने एक और बंदा है, कितनी स्पीड में भागने, कितनी स्पीड में जा रहा है भाई रिवाइव करने के लिए, एक मिनट क्या करोगे सर, हाँ रिवाइव करके क्या करोगे भाई, हम लोगों से फाइट तो ले ही नहीं रहे हैं, बस अपने टीममेट को रिवाइव करने में लगे रहते हैं। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है, लोगों को लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा मेरा टीममेट खेलता है इसलिए वो रिवाइव कर देता है, लेकिन अगर शायद वो खुद हिम्मत करके हमसे खेलने के लिए आए तो मुझे तो मार ही देगा, साथ ही टीममेट को भी रिवाइव कर लेगा। बट कोई बात नहीं गाइस, इन लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। फिलहाल हमारे पास बहुत सारे टोकन्स हैं जिसकी वजह से मैंने एक और हिटलिस्ट खरीद लिया है और अपने सामने ये देखो 200 मीटर की दूरी पे, बस इनकी पूरी स्क्वाड ना हो यार, अगर पूरी सोचो स्क्वाड आ जाएगी ना सामने से तो फिर शायद जोन के बाहर हम लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। ये देखो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट करता हूँ क्योंकि शायद ये मेरी तरफ ही आ रहा है रश करने के लिए मैप में। देखो नहीं 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 अब तो ये ऊपर भागने लग गया। ओके ये भी सोच रहा है कि पहले क्यों ना जोन के अंदर जाया जाए उसके बाद हम फाइट लेंगे, बढ़िया डिसीजन है, मेरे को तो और भी ज़्यादा फ़ायदा हो गया इससे। लेकिन एक बात तो है गाइस, अगर इसने मेरे ऊपर रश किया ना इसका मतलब ये अकेला तो नहीं है, 3 से 4 बंदे हो सकते हैं। एक गोली मैंने मारी, अरे यार ग्लू वॉल लग चुकी है, ये रहा इसका दूसरा बंदा, उसको भी बस हम एक ही गोली मार पाए। बट एक बात अच्छी है कि इन लोगों को हमारी लोकेशन पता नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं फटाफट से साइड से जाता हूँ और यहाँ पर से पहले अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद सीधे डायरेक्ट रश करेंगे भाई, हेडशॉट ही खोलेंगे आज सबका। 19 एनिमी गाइस अभी बचे हुए, तो फटाफट से मैं काम करता हूँ लेफ्ट साइड से निकल जाता हूँ चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये देखो सामने ही हमारे बंदा और ढूंढ भी रहा है शायद हमको, ओहो देख लिया तूने मुझे, कोई बात नहीं एक बार और अपना बॉडी दिखा गाइस, बॉडी शॉट में ही डाउन हो जाएगा ये।
डैमेज तो वैसे अच्छा है इस बंदूक का, देखो 100 का डैमेज पड़ जा रहा है इजीली। दोबारा से आए तो काम दिखाओ मैं, बट ये शायद वन शॉट मारने के चक्कर में यार, अगर एक गोली उसकी कनेक्ट होगी ना मेरे हेड में, अपना गेम भी खत्म हो जाएगा भाई, इसलिए रिस्क नहीं लेने का। आराम से पहले मैं जोन के अंदर जाता हूँ, फिर इनके ऊपर रश करेंगे। लेट्स गो। अब तो भैया कोई दिक्कत नहीं गाइस, अब तो हम क्लोज रेंज में आ गए, तो MP5 का इस्तेमाल करके इनके पूरी स्क्वाड ही क्लच कर देंगे अगर एक साथ आएंगे तो। ये देखो सामने ही ये लोग शायद घर के अंदर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई तो मेरे सामने ही है, रुको रुको पहले इसको मारता हूँ मैं एक शॉट। अरे यार आउट ऑफ द रेंज हो गया है, और वहाँ पर भी फाइट चालू है। अब ये कौन आ गया जिसे, इसको एक हेडशॉट गाइस मुझे देना पड़ेगा। अरे क्या डरपोक आदमी है, ग्लू वॉल के पीछे छिप गया भाई, ग्रेनेड करेगा चालाकी हमसे। रुको गाइस थोड़ा इसको देखते हैं अगला स्टेप क्या करता है। अच्छा ये भी ना बात, शायद अभी रस करने की कोशिश कर रहा है। क्या यार क्या फायदा तेरी हेडपो फटेगा, फिर भी नहीं मार पाया मेरे को, एकदम कमजोर दिल का आदमी था दोस्तों ये तो। अपने को आज MP40 की जरूरत नहीं गाइस, हम तो MP3 ही बहुत तगड़ी चला रहे हैं। सामने की तरफ चलता हूँ क्योंकि जहाँ पर एक बंदा भागा था, और सीधे हेडशॉट। भाई क्या क्विक हेडशॉट था वैसे, ये मजा ही आ गया, जैसे मेरे एम में आया सीधे हेडशॉट लग गया उसको। और राइट गाइस अभी सामने देखो बहुत सारे बंदे अंदर की तरफ भाग के आ रहे हैं, शायद इन लोगों की बहुत ज़बरदस्त फाइट चल रही है। यहाँ पे अपने हो चुके हैं 12 किल्स कम्प्लीट। देखो लेफ्ट साइड में एक और बंदा है, आई होप कि इसने मेरे को ना देखा हो। ओके नहीं देखा। अब यहाँ पर से जाके मैं इनको परेश करूँगा। ये देखो सामने बंदा, अरे मर क्यों नहीं रहा भाई साहब, कितना हेडशॉट मारा मैंने अभिषेक को, तो जिंदा हो गया भाई। याद है गाइस हमने उसको स्टार्टिंग में मारा था। ये देखो इसका टीममेट उसको रिवाइव करने के लिए आ रहा है, और इसको भी हेडशॉट मारा लेकिन उसको किसी और ने मार दिया यार। नहीं मारा, पीटिया बनी हुई है भाई पीठ में तो। ये देखो सामने एक और बंदा भाग रहा है जोन के बाहर, हमसे भागेगा। 14 किल्स गाइस हमने कर दिए हैं, यहाँ पे 2-3 बंदे हैं। तो एक काम करता हूँ पीछे के रास्ते घूम के इन लोगों को सरप्राइज देते हैं। ये देखो इस बार लगाना है हेडशॉट। क्या बात है गाइस, इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 15 किल्स, और अब शायद ही हमको कोई भुजिया करने से रोक पाए। लेट्स गो गाइस, अभी तक तो हमने बहुत सारे हेडशॉट मार दिए हैं VSK 494 से, और ये लास्ट के शायद एक स्क्वाड हो सकती है, 1v4 करना पड़ सकता है। तो 2-3 किल्स तो मैं इससे ही निकालने की कोशिश करूँगा। पहले मैं हील कर लेता हूँ, कोई अगल बगल तो नहीं है ना। नहीं है। चलो गाइज हम लोग अभी फटाफट से जोन से टच होते हुए सीधे निकल जाते हैं भीमा शक्ति सर्कल के अंदर, क्योंकि मुझे पता है आखिरी स्क्वाड ऑलरेडी मेरा वहीं पर इंतजार कर रही होगी। तो चलिए चल कर देते हैं इन लोगों को भी सरप्राइज, और निकालते हैं हमारी आज की भुइया। गाइज वैसे आप लोगों को ये वाली बंदूक कैसे लग रही है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे बंदूक का तो पता हो ना हो, बट एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि जब से ये स्नाइपर आई है ना गाइज गेम में, अपने को ना स्नाइपर की गोलियों को दिक्कत नहीं हो रही है, हर तरफ स्नाइपर की ही गोलियाँ मिल जाती है आसानी से। वरना तो स्नाइपर की एमओ जब भी मैं AWM चलाता था ना बहुत ही कम मुझे महसूस होती थी, बट अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिलहाल मैंने सामने 2 बंदे भी स्पॉट कर लिए हैं बिल्कुल अपने सामने की तरफ। ये रहा तीसरा बंदा, अरे आउट ऑफ द रेंज हो गया भाई। अरे भाई क्या हो गया मेरे निशाने को। वाह इस बार सोच समझ के मारेंगे, लेकिन अब शायद इसने ग्लू वॉल लगा के, बट कोई बात नहीं। एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि 3 बंदे मैंने सामने देखे हैं, इसका मतलब ये तीनों के 3 एक ही टीम पे है। तो चलो एक बंदा का मैंने खेल ख़त्म कर दिया है, इससे पहले कि रिवाइव हो जाए मैं इसको फटाफट से मार देता हूँ। और ये रहा दूसरा टीममेट, लड़की है, ख़त्म भाई ये भी ख़त्म। फुल स्पीड में जा रही थी बेचारी ग्लू वॉल के पास, लेकिन हमसे कौन बच पाया है आज तक। और गाइस यही पे हमारी खो चुकी है शानदार भुइया हेडशॉट के साथ। आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हमारी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।